पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष दीपक अग्रवाल के द्वारा गरीब और असहाय लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए और मास्क वितरित कर सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई। इस दौरान कटरानाज से दीप इम्पोरियम पर गरीब असहाय लोगों को राशन का वितरण किया गया। दीपक अग्रवाल ने इस दौरान कहा कि सभी को लॉकडाउन का पालन करना जरूरी है और गरीबों की मदद करने की सभी से अपील की। मामले की बात तो है, मामला बहुत संतोषजनक नहीं है, स्थिति बहुत खराब है, ईद का भी ऊपर है और पिछले 3 दिनों में मामला बड़ा है। 12 दिन पॉजिटिव हुए हैं, 13 परसों हुए हैं, शायद कल से और आज रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है और शायद 3 मौतें हुई हैं। हमें हर कीमत पे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात, हमारे DM की बात, कमिश्नर की सीमा की बात माननी चाहिए और हमें कोरोना रूपी महाविनाशकारी को इंडिया से क्या पूरे विश्व से भगाना है। हमें और आज क्या किया है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। आज हमने किया है आटा, दाल, चावल, चीनी, साबुन, हल्दी, चाय की पत्ती वगैरह सामान देकर राशन का उन लोगों को जो जरूरतमंद हैं उन्हें दिया है और साथ में मास्क दिया है और मास्क जैसी बना हुआ है ये सूती और जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने कहा जैसी अपनाओ वैसी अपनाओ। अच्छा, संदेश क्या देने का कोशिश की है आपने? हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।